सुशांत सिंह राजपूत केस में दो आईपीएस महिला अधिकारी जो हैं मुंबई आने वाली हैं केस की जांच के लिए। दरअसल सीबीआई ने एक ऐसा पासा फेंका है कि अब रिया मना ही नहीं कर सकती। क्या है पूरी खबर, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। बिहार पुलिस को रिया चक्रवर्ती नहीं मिली। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस के पास कोई फीमेल कॉन्स्टेबल ही नहीं है, मैं कैसे बयान दर्ज कराऊँ, कोई फीमेल अधिकारी तो होना चाहिए। तो इस बार एक नहीं, दो दो फीमेल अधिकारियों को जो है, जो एसआईटी गठित की गई है, सीबीआई ने एक जो टीम बनाई है उसमें दो आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। महिला आईपीएस अधिकारी हैं नुपुर प्रसाद और गगनदीप गंभीर। जी हाँ, ये दोनों तेज तर्रार महिला आईपीएस ऑफिसर हैं। और मैं आपको इनका अगर बैकग्राउंड बताऊंगी, हालांकि मैंने एक वीडियो किया है खाली इन आईपीएस अधिकारियों पर जो आ रहे हैं, उन्होंने इससे पहले कौन कौन से केस सॉल्व किए हैं, ये सारी डिटेल जो है मैंने उस वीडियो में डाली है, आप देख सकते हैं। तो रिया ने और इस पूरे जो केस में तीन फीमेल जो हैं, रिया, रिया की मदर संध्या और श्रुति मोदी, ये तीनों फीमेल हैं और इन पर मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में महिला अधिकारियों का टीम में होना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए जो सीबीआई ने अपनी टीम गठित की है उसमें दो तेज तर्रार महिला अधिकारियों को लिया है। पहले बात करते हैं नुपुर प्रसाद की। नुपुर प्रसाद बिहार की रहने वाली है, 2007 बैच की नुपुर AGMUT कैडर की आईपीएस रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, वो जो है दिल्ली के शाहदरा की DCP भी रह चुकी हैं और पिछले साल ही उन्हें सीबीआई में प्रतियुक्ति की गई थी। गगनदीप गंभीर भी जो हैं वो भी तेज तर्रार महिला अफसर हैं और उन्होंने सृजन घोटाले की जाँच की थी, उस जाँच टीम में वो शामिल थी। 2004 बैच की गुजरात केडर की आईपीएस अधिकारी है गगनदीप गंभीर और जो है वो पंजाब की रहने वाली है। 45 वर्षीय गगनदीप स्पेशल क्राइम ब्रांच से पहले एसआईटी में भी रह चुकी हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अवैध माइनिंग हो, अगस्ता वेस्टलैंड डील हो, विजय माल्या हो, सृजन घोटाला हो, जैसे दर्जनों मामलों की तफ्तीश की है। तो बहुत एक्सपीरियंस जो है, अगर मैं कहूँ तो आईपीएस अधिकारियों को भेजा जा रहा है और ये टीम जो है कल या परसों तक मुंबई आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो सीबीआई ऑफिस है वहाँ पर फोन करके कह दिया गया है कि उनके लॉजिस्टिक की, रहने की और गाड़ी की व्यवस्था की जाए। तो जाहिर सी बात है कि ये तुरंत अपना काम शुरू करेगी, क्योंकि इस बात पर कई समय से सवाल उठ रहे थे कि बहुत सारे एविडेंस जो है शायद टेम्पर हो रहे हैं। ऐसे में सीबीआई की टीम एक भी दिन जो है वेस्ट करना नहीं चाहती है।